रिलेटेड किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को पुश करना नहीं भूलें। हेलो दोस्त, ये DMRC एग्जाम का 7th वीडियो है। 6 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें विभिन्न टाइप के डिटेल है। इस वीडियो में मैं डिटेल बताने वाला हूँ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ DMRC मेंटेनर एंड JEE पोस्ट। इसमें क्या एग्जाम का और क्या पैटर्न होगा, उम्मीद है कि अभी तक आपने सारी चीज़ों को डिटेल आपने नोटिस कर लिया होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा है होगा। तो अब एग्जामिनेशन पे आते हैं। तो एग्जामिनेशन में हम पहले बताना चाहेंगे कि इसमें मेंटेनर और JEE के लिए दोनों के लिए अलग अलग टाइप की एग्जामिनेशन पैटर्न है। सबसे पहले हम मेंटेनर की यहाँ बात करेंगे। तो मेंटेनर का जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा और ओनली वन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे होगा सिलेबस। तो इसमें सिंगल टेस्ट है और उसके बाद JEE के एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो JEE के एग्ज़ाम के लिए दो टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, दोनों एक ही दिन होगा, एक ही सेंटर पे होगा, लेकिन दो पेपर आपको सेम डे क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद से मेडिकल होगा। और एक बहुत लोगों की क्वायरी आ रही है कि क्या DMRC एग्ज़ाम में इंटरव्यू है। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि DMRC के JEE एंड मेंटेनर के लिए आपका इंटरव्यू नहीं देना है। यहाँ पार्ट 2 में हम मेंटेनर का एग्ज़ाम का जो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपका 120 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, MCQ मल्टीपल क्वेश्चन। उसके बाद आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, इसके लिए 1/3 आपको नेगेटिव मार्क किया जाएगा। और इसमें आपको 120 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी आपको 90 मिनट डेढ़ घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें सिलेबस क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू में सिलेबस बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम बाद में डिटेल में बनाएंगे सिलेबस की कौन से टॉपिक, सिलेबस में भी टॉपिक बनाएंगे। तो पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, मतलब GA GK दोनों मिला के रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें आपका न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स दोनों आ जाएंगे, और तीसरा आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये JEE तक और ये मेंटेनर दोनों के लिए सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक अभी तक मैंने बताया सेम रहेगा, लेकिन मेंटेनर के एग्जाम में एक डिफरेंस ओनली रहेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फिटेल और सिविल रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग तीनों के लिए नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन ट्रेड भी इंटर हो जाएगा और इंग्लिश भी इंटर हो जाएगा अलग से। तो ट्रेड का जो होता है उसमें ब्रांच हो जाएगा आपके डिप्लोमा वाले के लिए, और यहाँ पे ट्रेड का इंटर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पार्ट 1 हो गया, ये JEE के लिए भी 1 हो गया और आपका मेंटेनर के लिए होगा, लेकिन JEE वाले में इंग्लिश नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन मत पैदा हो कि JEE वाले जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें इंग्लिश नहीं होगा। तो JEE वाले के लिए इंग्लिश कहाँ पूछा जाएगा, उसके लिए पार्ट 2 में पूछा जाएगा। सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर होगा केवल JEE के लिए। तो JEE का पेपर जो सेकंड होगा उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ टाइप के 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें जनरली सारे क्वेश्चन को का टाइम करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही में से एक नंबर काट लिए जाएंगे, यानी ये भी प्रिसाइज लेवल का आपका रहेगा। और इसमें टोटल नॉलेज ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि पहले भी एग्जामों में हो चुका है कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो इंग्लिश के नॉलेज के आते हैं। बेसिक में सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, आर्टिकल्स आता है, प्रीपोजिशन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, करेक्ट स्पेलिंग आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको JEE के एग्जाम में होगा। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो JEE का मेरिट बनेगा, देखिए टेक्नीशियन का तो 1 टाइम मेरिट है, आपका एक एग्जाम अगर क्लियर करते हैं उसमें मेरिट में आते हैं तो आप आगे एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन JEE वाला मैं बताता हूँ कि इसमें दिया हुआ है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉम्बाइंड भी मेरिट लिस्ट बनाया जा सकता है या इंडिविजुअल भी बनाया जा सकता है, वो DMRC बाद में डिसाइड करेगी कि कैसा कट ऑफ गया है उसके अनुसार से वो मेरिट बनाएंगे कि पार्ट 1 में जो क्लियर किया है उसको 2 क्लियर करेंगे या दोनों में जो हाईएस्ट रैंकिंग है उसका क्लियर करेंगे।
तो उम्मीद है कि इसमें जो एग्जाम का लोगों का कई सारी क्वायरी था निगेटिव मार्किंग का, वो मिल गया हो आपका कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। दूसरा क्वायरी मिल गया कि पहले वाले में आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे वाले पेपर में 60 रहेंगे, टेक्नीशियन का पेपर एक ही होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, जेई के क्वेश्चन में आपका केवल, जेई की बात कर रहा हूँ तो जेई वाला में आपका केवल सेकंड पेपर 60 नंबर के होंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा, और टोटल इंग्लिश का पेपर होगा सेकंड पेपर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, और लोगों की अगर लगता है कि आप किसी सहयोगी की ज़रूरत पड़ सकता है तो शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।